नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमारे पास एक कंप्यूटर बनने के लिए आया हुआ, मतलब सीपीयू बनने के लिए आया हुआ है। सीपीयू में प्रॉब्लम ये है कि जब इसको ऑन हम कर रहे हैं तो कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है, तो हम इसको बनाने जा रहे हैं। मैं सोचा क्यों नहीं वीडियो बनाकर रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोगों को बता दूँ कि डेड कंप्यूटर कैसे रिपेयर किया जाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं ना तो पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। हाँ, हमारे चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। अभी कोई कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो बनेगा तो आपके पहुँच जाएगा। देखिए दोस्तों, ये कंप्यूटर पहले हम इसको लगा लेते हैं। देखिए, हमने सारा चीज़ कनेक्ट कर लिया है, हमने माउस कनेक्ट कर लिया, हमने कीबोर्ड कनेक्ट कर लिया, हमने अपना मॉनिटर कनेक्ट कर लिया, अब इसको पावर केबल में लगा करके पावर दे रहे हैं। तो हमने स्विच ऑन कर दिया है, हमारा मॉनिटर यहां से ऑन कर देता हूं इसको, हमें मॉनिटर ऑन हो गया है। और उसके बाद हम सीपीयू को ऑन कर लेते हैं। सीपीयू में पावर बटन होता है ऑन करने के लिए, देखिए यहां पावर बटन दिया हुआ है, इसके माध्यम से हम इसको सीपीयू को ऑन करते हैं। बटन दबा रहे हैं लेकिन ये सीपीयू ऑन नहीं हो पा रहा, मतलब कि कंप्यूटर में करंट नहीं आ रहा है। तो हो सकता है चूहे ने तार काट दिया, हो सकता है सिम्पीस खराब हो सकता है मदरबोर्ड खराब, तो बहुत सारा रीजन होता है कंप्यूटर न ऑन होने के कारण। तो स्टेप बाय स्टेप करके हम चेक करेंगे प्रॉब्लम एक्चुअल में है कहाँ से। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो ये तार लगा पावर वाला ना, जो तार जो है ये SMPS में आया हुआ है, इस तार को हम निकाल लेते हैं। और पैर में चप्पल जरूर पहन लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर स्टैटिक करंट होता है, आपके बॉडी में लग सकता है, इसलिए पैर में चप्पल पहन के आप सुरक्षात्मक तरीके से काम करिए। देखिए, इसको मैंने निकाल लिया और निकाल के बता दूँ आपको मैं, जो पावर केबल होता है ना, ये पावर केबल, ये हमारे घर में जो AC करंट आता है इसको बोलते हैं 220 वोल्ट करंट, 230 वोल्ट करंट, यहाँ पे AC आता है, मतलब कि अगर करंट किसी को मार दे तो जान भी जा सकती है। तो इस करंट को जो है बड़ा अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। तो देखिए, ये करंट, ये तार है, तो तार खराब अगर होगा तब भी जो है कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। तो हमको यहाँ चेक करना है तार के अंदर कि यहाँ 220 वोल्ट 230 वोल्ट करंट आ रहा है नहीं आ रहा है। कैसे चेक करेंगे? तो हमारे पास एक मल्टीमीटर, देखिए ये देख रहे हैं मल्टीमीटर, ये 130 रुपये का 150 का मार्केट मिलता है। अगर आपके काम का है तो अभी खरीद लीजिएगा वरना किसी दोस्त से मांग लीजिएगा। तो इसको हम चेक करते हैं मल्टीमीटर के माध्यम से, क्या इसके अंदर 220 वोल्ट करंट आ रहा है। अगर आ रहा है मतलब तार ठीक है और हमारा जो करंट इसमें आ रहा है। करने के लिए मल्टीमीटर में देखिए दो ऑप्शन होते हैं, देख रहे ध्यान देखेंगे, एक यहाँ दिया हुआ है V, स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, और एक बना हुआ V, टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है। तो V जहाँ लिखा हुआ है 750 और 200 लगा हुआ है, तो हमें देखिए एक एरो की है, इसको मूव कर सकते हैं ऐसे करके। तो हम 720 पे करंट कर लेते हैं और देखिए यहाँ एक ब्लैक नीचे वाले कॉमन में लगा हुआ तार और रेड वाला पावर इसमें लगा हुआ है। देखिए, आप प्रयास मत करिए लेकिन सीखिए कम से कम कैसे करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो हमने इस पर कर दिया, देखिए ये 700 पे सेट कर दिया और ये ले लिया हाथ में। और देखिए पैर में चप्पल पहन लिया है, काला प्रॉड और लाल प्रॉड मेरे पास है, तो हम यहाँ पे इस तार के अंदर वहाँ से ऑन कर रखा है। और देखिए डालते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें किसी में डाल दीजिए, रेड भी कहीं डाल सकते हैं, ब्लैक करंट नहीं आएगा और तार कटआउट कहीं से ना हो, ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो हम देखिए ये ब्लैक वाले डाल देते हैं यहाँ से और यहाँ रेड डाल देते हैं, हाँ सही सिलेक्टेड है, और यहाँ डाल देते हैं। देखिए, और उसके बाद देखिए हमारे इस मल्टीमीटर के अंदर तार डालने के बाद में 227 वोल्ट करंट आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हमारे इस जगह पावर आ रहा है, पावर हमारे यहाँ आ रहा है, मतलब यहाँ तक तो ठीक ठाक है, सब है यहाँ तक ठीक ठाक है। अब इसके बाद हम अपने सीपीयू में यहाँ लगाते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ देखेंगे लगा हुआ है ये SMPS, इसको बोलते हैं सिंपल मोड पावर सप्लाई, जानते हैं ना। देखिए ये दिखा रहा आपको मैं, ये होता है SMPS, ये दिख रहा है SMPS, इसी जैसे ये SMPS अंदर लगा हुआ है तो SMPS ही बाहर निकाल दिखा रहा हूँ। यहाँ हमने AC लगा दिया है और इसके बहुत सारा तार जो यहाँ निकलता है DC करंट देता है कंप्यूटर के पार्ट को। अगर ये SMPS खराब होगा ना तो भी कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। तो अब तो हमने इसको लगा चेक कर लिया, तो अब पहला स्टेप आता है, नेक्स्ट आता है SMPS खराब है कि सही है उसको चेक करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जो है ना इस CPU को खोलना पड़ेगा, CPU जो है इसको खोलना पड़ेगा। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, यहाँ से निकाल के तार क्लिक कर देता हूँ और ये जो दिया हुआ है इसको हम खोल लेते हैं CPU को और SMPS को बाहर निकाल लेते हैं। SMPS को बाहर निकाल के देखिए, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ SMPS को, देखिए दो स्क्रू साइड में दिए होते हैं, इसके माध्यम से ये खुल जाएगा SMPS, ये बाहर निकल गया, ये किनारे कर लेते हैं हम। उसके बाद ये सब डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, बिजली केबल डिस्कनेक्ट कर लेते हैं हम, उसके बाद ये सब केबल डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और SMPS को हम बाहर निकाल लेते हैं। SMPS जो दिया हुआ है देखिए ध्यान से, ये छोटा SMPS है, ये SMPS है लगा हुआ है और उसमें बहुत सारे तार दिए हुए हैं, सब तार को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं हम, देख के तार को डिस्कनेक्ट कर लीजिए। ये हमने हार्ड डिस्क SSD कर दिया, उसके बाद मदरबोर्ड के अंदर इसका जो सॉकेट लगा हुआ है ATX करंट है, इसको भी हमने स्विच दबा को प्रेस करके इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं, देखिए बाहर निकाल लिए हैं। और उसके बाद 12 वोल्ट का कनेक्शन होता है, ये भी हम बाहर निकाल लेते हैं, देखिए ये हमने बाहर निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब इसमें चार स्क्रू खोलना है, ये चार स्क्रू हम ऐसे खोल लेते हैं। SMPS को बाहर निकालता हूँ, चेक करता हूँ कि भैया SMPS खराब है कि सही है।
तो एक ऑप्शन ये है कि SMPS ला करके दूसरा SMPS पड़ा हुआ है, लगा के चेक कर लीजिए। अगर SMPS दूसरा लगाने पे कंप्यूटर ऑन हो जाता है, इसका मतलब कंफर्म ये हो गया कि आपका SMPS ख़राब है। अगर दूसरा लगाने के बाद भी नहीं ऑन होता, इसका मतलब प्रॉब्लम कहीं हो सकता है। तो चार स्क्रू पहले दिया, उसको पहले हम खोल लेते चारों को और इसको हम अलग कर लेते हैं। देखिए हमने चारों को ऐसे डिस्कनेक्ट कर लिया, चारों को डिस्कनेक्ट कर लिया। उसके बाद थोड़ा टाइट स्क्रू है, इसको भी खोल लेते हैं। मैं राइट हैंडर हूँ ना, तो लेफ्ट हैंड में खोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना जल्दी खुल जाता। राइट ही कर लेता भाई, क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निकल गया स्क्रू, यहाँ से निकल गया और ये भाई अब बाहर आ गया SMPS। देखिए ये लैबकेयर कंपनी का लगा हुआ है, SMPS लगा हुआ है। इसको चेक करने का भी तरीका हम लोग के पास आता है, अगर आप बोले हैं तो मैं इसको चेक करा देता हूँ। कैसे चेक करते हैं, देखिए ये हम इसमें ये करंट देंगे, मान लीजिए यहाँ से इसको हम करंट देंगे, ये हम इसको करंट देते हैं। करंट देने बाद में ये देखिए ये पंखा इसका चलेगा नहीं, ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पर दो स्विच होता है, ग्रीन तार और ग्रीन तार को ब्लैक तार को हम शॉर्ट करेंगे तो पंखा चल जाएगा। अगर पंखा चल जाएगा मतलब SMPS सही है, अगर पंखा नहीं चलेगा SMPS ख़राब है। देख रहे हो ना, ये जो ATS का 24 पिन का तार होता है, इसमें एक ग्रीन वाला होता है, इधर से चार नंबर और तीन नंबर जो है तार को शॉर्ट करने पर अगर ये पंखा चल जाता होता है। तो मेरे पास दूसरा SMPS है, इतना तामझाम क्यों करूँ। और मैं कस्टमर से कहता हूँ कि भैया अगर SMPS ख़राब आपका हो जाए ना, तो सिंपल जो है इसको चेंज करवा, रिपेयर मत कराइए। ये वाला SMPS सर वारंटी में है, मैं कस्टमर को वारंटी करवा दिला दूँ, क्योंकि मशीन वारंटी में भी है ये। इसको हमने किनारे रख दिया। और देखिए मेरे पास ये पड़ा हुआ है दूसरा SMPS भैया, देख रहा ये नहीं, ये मेरे पास दो SMPS पड़े हुए हैं, इसको लगा करके मैं चेक कर लेता हूँ। SMPS ये है, अब देखिए इसको हम ऊपर से कनेक्ट करते हैं, ऊपर से लगा के चेक कर लेते हैं। अगर ये लगाने के बाद में हमारा कंप्यूटर ठीक चल जाता है, इसका मतलब कन्फर्म हो जाएगा कि SMPS ख़राब है। देखिए हमने यहाँ इसको रख दिया और जैसे जैसे लगा रखा था और हमने यहाँ पर इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अगर कंप्यूटर में SMPS ख़राब होगा तो आपका डिस्प्ले नहीं आएगा, इस बात को नोटिस कर लीजिए। इसलिए कंप्यूटर का SMPS जो है अगर ख़राब है तो पहले इसको चेक कर लीजिए। मैं दोनों को ऐसे जो है इसको लगा देता हूँ, जैसे निकाले वैसे लगा के बस चेक कर रहा। देखिए ये सारा हो गया है। अब पावर भाई कहाँ गए तुम, पावर भाई ये मिल गए, पावर भाई मिल गए हुए, इसको लगा के मैं यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ। लगा दिया, अब इसका जो पावर बटन दिया हुआ है मैं इसको प्रेस करता हूँ। देखिए भैया ध्यान देखिए, पंखा चल गया, ये दिख रहा ना पंखा चल गया। और दिखाता हूँ डिस्प्ले आया कि नहीं आया, ये यहाँ लग गया। इसके बाद देखिए लाइट जला ना ब्लू कलर का, उसका मतलब कंफर्म हो गया कि कंप्यूटर में ये SMPS जो है हमारा ख़राब था। ये देखिए अभी मैं मोटर को भी ऑन कर दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए मोटर ऑन हो गया। अब डिस्प्ले चेक कर लेते हैं, तो हम आए दिन हम लोग कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयर करते हैं, तो काम करते करते हम लोग को अनुभव हो जाता है। और अगर आप नए होंगे तो आपको जो है ये HDMI पे सेलेक्ट टेस्ट डिस्प्ले नहीं आ रहा, मैं इसको VGA पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये क्लिक करके हमने VGA पे क्लिक कर दिया, मॉनिटर फीचर दिया हुआ है HDMI और VGA, क्योंकि मैंने कनेक्ट कर रखा है VGA के माध्यम से, तो HDMI सेलेक्टेड था। देखिए डिस्प्ले आ चुका है ये, ठीक है। तो अगर आपके कंप्यूटर में ये SMPS ख़राब हो जाता ना, तो इसको बनवाइए मत, रिपेयर मत करवाइए, क्योंकि रिपेयर करवा जाएंगे दुकानदार रिपेयर जो करते हैं वो 300-400 रुपये ले लेते हैं और वारंटी नहीं देते हैं। अगर आप नया लेंगे तो आपको वारंटी मिलेगा, इस SMPS के साथ में वारंटी है। और अब मैं इसको बदला दोस्तों, चलिए। तो वीडियो बनाकर मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी आपको है कि मल्टीमीटर के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं आप घर में जो करंट आ रहा है AC, वो आ रहा नहीं आ रहा है, तो आप चेक कर लीजिए। उसके बाद पावर केबल चेक कर लीजिए। तो वीडियो बनाकर दिखा दिया है, वीडियो से कुछ सीखे हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, बताए आपके लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं ना कंप्यूटर हार्डवेयर सीखना चाहते हैं या कंप्यूटर का बेसिक सीखना चाहते हैं, उसे वीडियो के माध्यम से उनको अच्छा लगे। चलिए आप सब लोगों को नमस्ते दोस्तों।